औज़ु बिल्लाह मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तमाम दोस्त जितने भी हैं मेरे चैनल में या ग्रुप में, वो सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे और दुआ करता हूँ कि हर दोस्त को अल्लाह ताला तंदुरुस्ती मौला खुशियाँ अता फरमाए। जनाब अली के मेरी कुछ मसरूफियत थी कि ना दोस्तों को पता भी है, तो उस मसरूफियत की वजह से मैं चैनल पर नहीं तो वीडियो दे सका हूँ, ना मैं ग्रुप में शामिल हो सका। तो आज इंशाल्लाह मैं हाजिर हुआ हूँ कि इंशाल्लाह मैं आज कोई एक नुस्खा दूंगा बूटियों के साथ जो नुस्खे बनते हैं। मैं पहले बूटी की आपको शिनाख्त भी कराऊंगा। तो आज ये कि काफ़ी बूटियों के साथ लोग काम करते हैं, कोई ऐसी बूटी होती है वो बताने को तो बता देते हैं लेकिन वो काम नहीं करती। तो इंशाल्लाह जो बूटी मैं बताऊंगा इसके साथ इंशाल्लाह काम होगा, जो करेंगे वो बिल्कुल याद करेंगे कि वाकया बुजुर्गों ने सही नुस्खा बताया है और सही बना है। तो इंशाल्लाह ये जो आज मैं नुस्खा बताऊंगा वो इंशाल्लाह वो बनता है और मैंने उसको एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा बना चुका हूँ। तो ये जनाब आप ज़रूर बनाएँ तो इससे बना के आप फ़ायदा उठाएँ। तो पहले भी काफ़ी नुस्खे यानी कि मैं जनाब की दोस्तों की खिदमत में पेश किए हैं, तो कम अज कम 250 नुस्खा मैंने लिया है। तो कोई कहता है ये बनता है, कोई कहता है ये नहीं बनता। ये तो बनाने से चीज़ बनती ना, कुछ बाजार से चीज़ नहीं मिल रही वो सब दोस्तों को पता है। बाकी ना जो बूटियों का मसला है, बूटियों के साथ जो बनता चीज बनती है वो हमेशा बनता रहता है। ये आज चलते हैं नुस्खे की तरफ। तो इंशाल्लाह ये नुस्खा ये बूटी पकड़ाने में तेल होगी। ये जनाब बूटी है कि आम बूटी है, जो इसको हर आदमी पहचानता है और हर आदमी ने देखी हुई है और पूरे पंजाब में यानी कि इस बूटी की ये बूटी होती है। लेकिन ये मेरे पास हरी है, सब्ज है, आपने खुश्क लेनी है, आपने खुश्क लेनी है। मेरे पास सब्ज बूटी है, जहाँ इस खुश्क इसकी लकड़ी मिल जाए, इसकी वो छिटियाँ मिल जाए, तो तकरीबन इसकी राख 1 किलो होनी चाहिए। 1 किलो राख इस जो बूटी देख रहे हैं, इस बूटी की राख 1 किलो होनी चाहिए। खुश्क छिटियाँ या खुश्क लकड़ी भी बोलते हैं इनकी। तो इसमें आप क्या करना है, आप सिंबल फार दो लाख अच्छी किस्म का सिंबल फार अच्छी किस्म का जनाब 2 तोला लेकर इस राख में आप रखना है। तो आस्ता आस्ता दरमियान रख कर राख में आस्ता आस्ता आग जलाएं। तो तकरीबन 5.5-6 घंटे के बाद ये सिंबल फार 2 तोला के बजाय आपको मालूम होगा कि ये 20 तोला यानी कि फुलावट करेगा, फूल जाएगा। जब फूल जाएगी जिस तरह कुछ तर में हाथ लगाओगे तो कुछ था होगा। तो ये सिंबल फार बहुत कीमती है, ये एक राज की बात है। अगर इसमें कफूर कैम पहले ही लेप करके इसको रखा जाए इस राख में, तो आप समझदार ये पारे की बैठक करता है। अगर कफूर किसी के पास कैम हो तो इसके ऊपर लेप करके इस राख में आप रखें, ये सिंबल फार फूल कर कुश्ता होगा। अगर नहीं तो फिर ऐसे ही इसको बनाएं। और उसके बाद यानी कि ये खुराक की भी काम करता है और इधर भी ये आग पर मतलब ये परवाज नहीं करेगा, नहीं उड़ेगा, ये आग पर ये तेल होगा। आगे जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं, मैं जो आपको बताया है इंशाल्लाह ये इनमें कोई चाबी या कोई कमी नहीं है, आसान सा नुस्खा है, ये कोई ऐसी बात नहीं। ये सफल फार जो फूल जाता है, फूल के कुश्ता होता है ना, ये हर आदमी इसके बारे जानता भी है और कोशिश करते हैं कि ऐसा बन जाए। तो इंशाल्लाह ये बनेगा, आप बनाकर देखें। तो ये आज के लिए मैंने ये नुस्खा दिया दोस्तों को। तो ये बहुत अक्सीरी है नुस्खा, क्योंकि सिंबल फारे के ऐसा बताया कि जो इसके काफ़ी लोग तलाश में हैं। इंशाल्लाह ये बनेगा, आप इसको बनाएं। अल्लाह हाफिज़।